फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है पिंकी का बेस्ट किचन में। तो देखिए फ्रेंड, ये कद्दू की बेल है, आज मैं इसी की रेसिपी बनाऊंगी। तो कद्दू इधर मैं ब्रेड के तरफ भी लग गया है, तो इसे मैं काट लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये कद्दू की बेल है और आज मैं इसी की ही रेसिपी बना रही हूँ। तो इसे बहुत जगह कद्दू बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसे कोहड़ा बोलते हैं, कोहड़ा का लत्तर। तो इसी की बेल की मैं सब्जी बनाऊँगी। तो इसे मैं काट लेती हूँ। और इसे हमने अपने आंगन में ही लगाया है और इसे रस्सियों के सहारे छत पर चढ़ा दिए हैं। और इसमें बहुत सारे लत्तर हो गए हैं, काफ़ी लत्तर हो गए हैं, तो आप सब देख सकते हैं। और इसमें अभी कद्दू नहीं फड़ा है, जब कद्दू फड़ेगा, लगेगा इसमें फल, तो उसकी भी मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए, इसे हमने काट लिया है, अब चलिए बनाते हैं इसे। और ये इधर काफ़ी सारा लत्तर है कद्दू का, और इसमें सिर्फ फूल ही लगे हैं अभी कुछ कुछ, और इसमें अभी फल नहीं लगे हैं। तो यहाँ हम इसके बेल को साफ कर लेते हैं, कद्दू के बेल को। इसमें से रेशे निकलते हैं, तो उसके रेशे को हम हटा देंगे। और मेरे साथ मेरी मदद के लिए है मेरी बेटी छोटी वाली, वो मेरे साथ मदद कर रही है। तो इसे हमने साफ कर लिया है, अब चलिए इसे हम धो लेते हैं। इसमें थोड़े धूल मिट्टी पड़े हुए रहते हैं, तो उसे हम धो लेंगे अच्छा से, दो तीन पानी से धो लेंगे, इसको वॉश कर लेंगे। और अगर फ्रेंड, अगर आप सबको ये कद्दू की बेल मिले तो आप ज़रूर बनाइएगा, इसकी सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। तो ये देखिए, इसे हमने एक पानी से धो लिया है और इसे दोबारा धो लेते हैं, ताकि इसमें का जो भी धूल मिट्टी इस पर जमे हो वो निकल जाए बहुत अच्छे से। तो ये देखिए, इसे हमने धो लिया है, अब इसको हम काट लेते हैं छोटे छोटे पीस में, थोड़ा बारीकी से इसे काटेंगे। और ये बहुत जल्दी ही सब्जी बन के तैयार हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो ये देखिए, हमने इसे काट लिया है थोड़े बारीकी से, छोटे छोटे टुकड़ों में हमने इसे काटा है। और इसमें डालेंगे प्याज, लहसुन और हरी मिर्च, और इधर हमने टमाटर काटे हैं और आलू। तो आलू को हमने थोड़े लंबे लंबे पीस में काट के रखे हैं और थोड़े पतले। तो इधर कढ़ाई हमारा गर्म है, उसमें डालेंगे सरसों का तेल। ये सरसों के तेल में सब्जी बहुत ही टेस्टी बनता है, तो अगर आप कोशिश करें इसे सरसों के तेल में ही बनाएं। तो इसे हम लहसुन डाल देंगे इसमें फ्राई होने के लिए। तो लहसुन थोड़ा फ्राई हो गया, तो इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च। अब इसे भी हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो लहसुन और मिर्च फ्राई हो गया, उसके बाद हम इसमें फ्राई करेंगे प्याज। तो प्याज को हमने थोड़ा लंबे साइज में काटा है, अब इसे भी हम थोड़ा फ्राई कर लेते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक।
तो ये देखिए हमारा प्याज भी भून चुका है। अब इसी में हम आलू भी भून लेते हैं। तो आलू को भी 2 या 3 मिनट ही भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। तो अब हमारा आलू भी भून चुका है, अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो ये धनिया पाउडर और काली मिर्च का पाउडर एक ही में मिक्स है और उसी को हमने डाले हैं सब्जी में। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, अब थोड़ा हमारा मसाला भुंज गया है तो इसमें हम डालेंगे कटे हुए टमाटर। अब इन सबको हम बहुत अच्छे से भुंज लेंगे ताकि जो टमाटर है वो भी थोड़ा पक जाए और मसाले जो हैं बहुत अच्छे से पक जाएं उसमें, और स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे। यहाँ मसाला थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है लेकिन जब टमाटर गलने लगेगा तो वो थोड़ा हो जाएगा थोड़ा थी जैसा, थोड़ा मसाला गाढ़ा जैसा दिखने लगेगा। तो ये देखिए हमारे मसाले भून चुके हैं, तब इसमें हम डालेंगे कद्दू की बेल जो हमने काट के रखे थे बारीकी से, उसे हम डाल देते हैं और इसे मसाले में बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये मिक्स हो गए हैं तो इसे हम ढककर इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। और ये देखिए थोड़ा ये जो पत्ते थे गल कर बहुत थोड़ा सा हो गया है, तो इसे हम थोड़ा और पकाएंगे। ये अभी पूरी तरह से नहीं पका हुआ है तो इसे हम ढककर थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। इसमें हमने पानी नहीं डाला है क्योंकि पत्ते में पानी पहले से ही है, अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए अब हमारी सब्जी बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। तो अब ये एक प्लेट में हम इसे सर्व कर लेते हैं। और आप सब मुझे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, और अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।